अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंजन जो कि है स्टर्लिंग इंजन। ये आप देख सकते हैं एक कॉम्पैक्ट साइज़ इंजन बना हुआ है। ये पूरी असेंबली बनी हुई है इसकी। ये इंजन है, ये इसका जो है पुली पार्ट है, और इसके साथ ये एक देख सकते हैं छोटा सा जनरेटर फिट हुआ हुआ है। तो इसका होता क्या है, बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, और ये ट्रेनर किस बेस्ड पर बना हुआ है, तो ये हम आपको बताते हैं एक एक्सप्लेनेशन के साथ जी। तो हम इसको ट्रेनर को स्टार्ट करते हैं, इसकी मेन पावर ऑन करते हैं। इसको हम ऑन करेंगे, इसका एक कंट्रोल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अब क्या हो रहा है, जो इंजन होते हैं उसके अंदर बेसिक पार्ट क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, और ये ट्रेनर किस बेस्ड पर बना हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं इसमें एक हीटर का ऑप्शन है, और ये जो तीन लोड लगे हुए हैं इनको हम स्टेप बाई स्टेप चला सकते हैं। अच्छा, ये जो लोड हैं ये बेसिकली इस पर आप जो मिनी जनरेटर देख रहे हैं ये इसके ऊपर चल रहे हैं। तो जब हम इसको हीट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो इसके बाद ये इसकी वर्किंग स्टार्ट होगी, और हम डिफरेंट जो है उसके आरपीएम पर जनरेटर की, क्योंकि जितनी हीट देंगे उतनी जो है आपकी आरपीएम जनरेट होंगे। तो इसमें जो हीटर का कंट्रोल पार्ट है इसके अंदर वो हम वेरिएबल दे सकते हैं कि जितनी हमने पावर रखनी है उतनी हम दे सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका एक डिमोन्स्ट्रेशनल के किस तरह से ये एक स्पेसिफिक वाटेज पर, स्पेसिफिक आरपीएम पर ये जनरेशन करता है। तो लेट्स सी जी। तो गाइस हम इसकी रनिंग करते हैं, देखते हैं किस तरह से चलता है। इसके ये बटन है, हम इसको हीटर को ऑन करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं हीटर की इंडिकेशन आ चुकी है, हीटर चल रहा है, और उसकी ये वेरिएबल हमने इधर लगाया हुआ है, इसकी हम वेरिएबल पावर फुल कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप जो इसकी पावर है हीटर की वो वेरी कर रही है। तो जब ये एक स्पेसिफिक हीट जो है वो इस पार्ट में जनरेट हो जाएगी जो ब्लैक कलर का बैक साइड पर है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एक रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, और इसके बाद हम इसके साथ जो स्पेसिफिक ये लोड लगे हुए हैं वो हम चला के देख सकते हैं। अच्छा, जब तक ये हीट होता है हम एक चीज़ देखते हैं इसमें कि ये इसमें बेसिक फिनोमिना क्या होता है, कि किस तरह से हीट पर वर्क करता है ये इंजन। इसका जो ये पार्ट होता है इसके अंदर जो बेसिक जो फिनोमिना है वो है इसमें एयर की एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो इसमें ख़ास किस्म की जो गैसेज हों या एयर हों उनको जब हम हीट देते हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक्सपेंड करती हैं और कंप्रेस होती हैं। उससे क्या होता है कि ये जो पिस्टन है हमारी, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, तो पिस्टन इसका जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली जो आगे असेंबली बनी हुई है ये इसके व्हील को घुमाती है, और उसके व्हील पर जो आउटपुट है वो जनरेटर लगा हुआ है। तो हम अल्टीमेटली क्या होता है इसके ऊपर डिफरेंट लोड चला सकते हैं। तो देखेंगे हम ये जब खास एक हीट जनरेट हो जाएगी तो इसके ऊपर ही इसकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये इसके हीटर जो है वो एक रनिंग कंडीशन में है, एक ख़ास वाटेज पे चल रहा है। तो हम इसको माइनर सा थोड़ा सा इसका इनिशियल स्टार्ट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा पुश दिया, और ये आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग, ये ऑटोमेटिकली ये हीट के फिनोमेना पर बेसिकली वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब क्या है, इसके साथ डिफरेंट लोड हैं, हम उनको रन करके देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये लोड है, हम इनको चलाते हैं। ये लोड वन है, ये लोड टू है, इसके ऊपर ये लोड वन, लोड वन, ये लोड टू हो गया, लोड थ्री हो गया। अच्छा, अब ये देख सकते हैं ये जनरेशन इसी से ही हो रही है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि मैं इसके अगर स्टॉप करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी जो लोड वाली एलईडीज हैं ये बंद हो जाएंगी। ये देखें, तो ये जनरेशन होगी तो एलईडीज चलेंगी, ये देख सकते हैं आप। ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वीडियो है विद लोड। सो गाइस ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंजन है जिसमें हम देख सकते हैं ये इसके बैक साइड पे हीटर फिटेड है। आप देख सकते हैं ये हीटर आपको माइनर सा रेड होता नज़र आ रहा होगा, तो इसकी बैक साइड हीटेड है, इसकी वजह से ये रनिंग कंडीशन में है इस टाइम। तो ये इसके साथ जनरेटर लगा हुआ है, ये पुली सिस्टम है, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग को। इसी तरह से ये इसका कंट्रोल सेक्शन है सारा, किसी तरह से लोड चल रहे हैं, ये इसके आरपीएम आ रहे हैं आप देख सकते हैं। सो गाइस इसी तरह से हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें, इसकी वीडियोस वॉच करते रहें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।